बिना किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी चिन्ह के मुझे भंडारा विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से मतदाताओं ने जिताया था और अब विकास कार्यों के जरिए इस कर्ज को चुकाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अक्सर विधायक सांसद नहीं जानते कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं और वादा करता हूं कि पौनी के विकास के लिए अथक प्रयास करता रहूंगा। ऐसा वचन विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दिया। वे पौनी स्थित परमात्मा एक मानव मंदिर भवन के भूमि पूजन समारोह तथा संत जगनाड़े महाराज समिति में किचन शेड भूमि पूजन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र भोंडेकर की विधायक निधि से पौनी के बेलघाटा वार्ड में संताजी हॉल किचन शेड निर्माण के लिए 25 लाख और परमात्मा एक मानव मंदिर भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए दिए गए हैं। इन दोनों निर्माणों का भूमि पूजन रविवार को नरेंद्र भोंडेकर ने किया था। भोंडेकर ने योजना बनाने का निर्देश दिया कि क्या और निर्माण निधि की आवश्यकता है और समुदाय के प्रतिनिधियों को इसके लिए योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पौनी में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार नहीं हो सका, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देते हुए पौनी तहसील में 100 बिस्तरों का उपजिला अस्पताल बनाया जा रहा है ताकि यहां के मरीजों को इंटेंसिव केयर की सुविधा मिल सके।